गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई लौकी, जिसे हमने सरसों का तेल ले लिया है, उसमें जीरा डालकर हल्दी पाउडर जरूर डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, और उसमें हम लौकी को अच्छे से साफ करके कट के धो के रख लेते हैं। उसको हम डाल के गाइस अच्छे से उसको भूनेंगे 2 मिनट तक, जब तक मसाला अच्छे से फ्राई नहीं हो तब तक हम इसमें पानी डालेंगे नहीं गाइस, नहीं तो हमारा टेस्ट ख़राब आ जाएगा। आपने इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके बच्चे को भी बहुत पसंद लगेगा। जो ये कढ़ाई लौकी जो है ना, आपने तो बहुत खाए होंगे पर इस तरह से कभी नहीं खाए होंगे। इस तरह से जब हमारा ये हो जाए तब हमने पैन लेने के उसमें तेल डालेंगे, सरसों तेल, फिर हमने धनिया डालने हैं, उसके बाद हमने लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, फिर एक तेज़पत्ता, फिर 2 छोटी इलायची डालेंगे गाइस, और एक दालचीनी का चुटकी डालेंगे, फिर हमने डालने धनिया पाउडर, 1 चम्मच लहसुन डालेंगे गाइस। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ नहीं करना, हमें ना 1 कटे हुए प्याज डालने हैं और 2 कटे हुए टमाटर डालने हैं। ये टमाटर को अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद जब टमाटर हमारा गल जाएगा गाइस, तो यकीन मानिए इसमें हमने ना अच्छे से वो जो हमारा उबला हुआ था उसे डाल दिया गाइस। ये ना आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा, इसे आप ज़रूर ट्राई करें गाइस, और इसे हमने अच्छे से फ्राई करेंगे, ढक के फ्राई करेंगे गाइस। आपके बच्चे तो नहीं खाते लौकी, लेकिन उनको भी पता नहीं चलेगा कि ये लौकी किस तरह से बनाया है, लौकी है कि नहीं, क्या चीज़ है। ये देखिए गाइस, हमने अच्छे से इसको ढक कर पकाएंगे, इसका टेस्ट इतना गजब आ रहा था ना गाइस, स्वादिष्ट लगेगा, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय।